सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में नव दुर्गा पूजा कैसे की जाती है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, नवरात्रि की पूजा विधि क्या है, इन सब बातों को लेकर के हम बात करेंगे। क्योंकि आजकल आप भी नवरात्रि व्रत करते हैं, हम लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं छोटी छोटी चूक कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण हमें वो फल प्राप्त नहीं होता जिस फल के कारण हमने माँ नवरात्रि की पूजा की और माता रानी को मनाने का प्रयास किया, और वो माता रानी को मनाने के प्रयास में उन गलतियों के कारण माँ हमसे रुष्ट भी हो जाती हैं, अर्थात हमारे लिए वो फल ही प्राप्त होता जिसके निमित्त हम वो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो भी कुछ करने की सोचते हैं वो कार्य छोटी छोटी गलतियों के कारण वंचित रह जाता है। तो सर्वप्रथम पूजा हम किसकी करें, माता रानी की पूजा करते समय कैसे, कौन सी विधि है, किस हिसाब से हम पूजा करें, तो ध्यान दीजिएगा कि नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ हो, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो उस दिन आप पूरी सामग्री एकत्रित करके फल फूल मिष्ठान लौंग बतासे इलायची सुपारी जौ मटका जो कलश होता है मिट्टी का होना चाहिए, उसके ऊपर नारियल होना चाहिए, आम के पत्ते, जहां पर आप जौ बोएंगे उस जगह शुद्ध जगह होनी चाहिए, अच्छी सी जगह होनी चाहिए जहां पर जौ वृद्धि कर सके। माता रानी को मनाने का हर प्रयत्न हम करते हैं और उसी समय माँ का श्रृंगार भी जरूरी है, माँ के लिए चुनरी भी जरूरी है। पूजा विधि को प्रारंभ करते समय हमें माता रानी का मनोमन ध्यान करना चाहिए, मन में संकल्प लेना चाहिए, हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प द्रव्य दक्षिणा लेकर के आपको संकल्प लेना चाहिए, हे माँ मैं इसके निमित्त ये पूजन कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा ये संकल्प पूरा हो। अगर हो सकता है तो इस दिन अगर आप ब्राह्मण को बुला ले, संकल्प अगर ब्राह्मण दिला करके जाए तो आपको और लाभ मिलेगा। अब हम जब संकल्प ले लेते हैं किसी भी चीज का तो संकल्प को पूरा करना हमारा धर्म है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएं तो प्रथम दिन जब नवरात्रि है तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, जो हमारा कलश है उसकी स्थापना करें, जौ बोएं शुभ मुहूर्त में, दीप प्रज्वलित करें शुभ मुहूर्त में और पूजन करें, माता रानी को प्रसन्न करें। प्रथम दिन शैलपुत्री माता का दिन होता है और शैलपुत्री माता को मनाने का प्रयास करें, मन में ऐसा संकल्प करें, मां आप प्रसन्न हो, हमारी मनोकामना आप पूरी करें, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसा संकल्प लेकर के आप नवरात्रि में प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करें। मां शैलपुत्री कौन है ये आपके मन में प्रश्न आता है। देखिए ये हिमालय जो है उनकी पुत्री का नाम, हिमालय जो है उनके पुत्री हुई थी और उसी को हम शैलपुत्री कहते हैं। हिमालय की पुत्री है मां शैलपुत्री। निसंतान व्यक्ति अगर संकल्प लेकर के मां शैलपुत्री का पूजन करे तो निश्चित मान लीजिए अति शीघ्र संतान प्राप्त होती है, उसको संतान देने वाली होती है शैलपुत्री मां। उनकी पूजा अर्चना में पुष्प नैवेद्य अवश्य चढ़ाएं, गुलाब का फूल अगर आप चढ़ा सकते हैं तो अति उत्तम है, कमल का फूल आप चढ़ा सकते हैं तो सर्वोत्तम है, दो बतासे उनमें दो लौंग प्रत्येक बतासे में लगा करके थोड़ी सी अग्नि करके उस पर उसका भोग लगाएं, माता रानी को वो भोग दें, क्योंकि माता रानी लौंग बतासे का भोग ही ग्रहण करती है। शैलपुत्री माता की पूजा निष्ठा भावना श्रद्धा के साथ करें तो आपका निश्चित रूप से जिस निमित्त आपने संकल्प किया है वो अवश्य पूरा होगा। प्रथम दिन
मां शैलपुत्री का होता है। नवरात्रि का 9 दिन बड़े पवित्र दिन है। एक एक दिन अपने अपनी महत्वता दर्शाता है और सबसे बड़ा दिन नवा दिन होता है, मां गौरी का दिन होता है। लेकिन शैलपुत्री माता का जो दिन है वो सर्वश्रेष्ठ दिन में आता है, संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, किसी भी संकल्प को संकल्प लेकर पूर्ण करने के लिए मां शैलपुत्री आपके साथ होती है। और इसीलिए हमारी नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के द्वितीय व्रत को लेकर के, कि द्वितीय व्रत नवरात्रि का दूसरा व्रत किस अवस्था में और किस माता का होता है, उसको करने का क्या नियम है, कैसे किया जाता है और करने से क्या फल प्राप्त होता है। द्वितीय व्रत मां ब्रह्मचारिणी का व्रत माना जाता है कि इस दिन मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। कुवारी जो कन्याएं होती हैं या कुवारे जो लड़के होते हैं उनको विवाह का अगर मन है और उन्हें सुयोग्य जीवन साथी चाहिए या जीवन संगनी चाहिए तो उन्हें ब्रह्मचारिणी माता का व्रत करना अति आवश्यक है। व्रत आप नव दुर्गा के करें, पूरे नौ करें, लेकिन ब्रह्मचारिणी का व्रत विवाह के लिए विशेष शुभ है, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी, सबसे पहले ब्रह्मचारिणी मां कौन है, कैसे इनको पूजा में स्थान मिला, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन पूजा की विधि के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो हमने प्रथम दिन कलश को स्थापित किया, प्रथम दिन जिस कलश को स्थापित किया उस कलश में थोड़ा सा जल अवश्य डालें और जल डालने के बाद ज्योत को प्रज्वलित करें। माता रानी की तस्वीर आपके सामने हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें, नहीं तो चतु श्लोकी दुर्गा का भी आप पाठ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको विशेष रूप से देखना है कि कौन से दिन कौन सी माता की पूजा होती है। जैसे प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा। वेदों में, शास्त्रों में आया है कि भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता ने तपस्या की थी। मां पार्वती जब तपस्या कर रही थी, तीनों लोक उनके सामने नतमस्तक हो गए। उनके तपस्या तेज को देख करके भगवान शिव भी उनके पास आए और वही तेजो में जो शरीर था, जो मां पार्वती का तेजो में शरीर था, उसी शरीर को हम ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसीलिए आज जो जातक शादी के लिए योग्य हैं, वो विवाह करना चाहते हैं, तो मस ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से जल्दी ही उनका विवाह होता है, जल्दी ही उनके योग बनते हैं। अगर कोई अवरोध उनके जीवन में आ रहा है, अवरोध मिट जाता है और मां ब्रह्मचारिणी का पूजन बड़े नीतिज्ञ किया जाता है। इसमें रक्त पुष्प अर्थात लाल फूल इनको अर्पण करें, या अगर आप इसको श्वेत पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखें, बतासे में लौंग तो लगाएं ही लगाएं, लेकिन पान के पत्ता पर रख करके इनको अर्पण करें। पहले आपने शैलपुत्री मां को अग्नि में आहुति दी थी, दूसरे दिन पान के पत्ते पर इसका भोग लगाएं। आप अगर ऐसा करते हैं तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण से पाठ कराते हैं तो आप उनको कराने के बाद भी आरती में खुद शामिल हों, आरती मां की अपने हाथ से करें, तो जिस संकल्प से आप पूजन कर रहे हैं मां ब्रह्मचारिणी का, वो संकल्प आपका अति शीघ्र पूरा होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकल्प क्यों ना हो। उस संकल्प में कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु सर्वसिद्धि रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां देवी, सभी सिद्धियों को देने वाली
माँ ब्रह्मचारिणी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, नौ रूपों को देख करके हम प्रार्थना करते हैं और आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। मंत्र का संबोधन शब्द के अनुसार शुद्धता से करें, अगर शुद्ध बोल सकते हैं तो ही बोलें, अन्यथा मंत्र ना बोलें, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। तो अशुद्ध मंत्र कभी ना बोलें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे मन से, लगन से और निष्ठा से करें, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो और आपका विश्वास माता रानी के चरणों में बढ़े। लास्ट नवरात्रि जब संपन्न हो तो उनका प्रसाद रूप कोई भी चीज, चाहे कोई सिंगार की वस्तु हो, चाहे चुनरी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर ब्राह्मण आपने बुलाया है तो उनसे प्रसाद मांग लीजिए, और अगर खुद कर रहे हैं तो उन पर जो चढ़ी हुई वस्तु हैं उनमें से एक वस्तु आप स्वयं रखें, बाकी की वस्तु आप दान कर दें। किसी भी मंदिर में आप दे सकती हैं, किसी जरूरतमंद को आप दे सकती हैं, दान आप कहीं भी कर सकती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्रत सफल होते हैं और आपको सफलता मिलती है। आज हम बात करेंगे तीसरे नवरात्रे को लेकर कि तीसरे नवरात्रे में किस हिसाब से पूजा करनी चाहिए, किस विधि के द्वारा पूजा करनी चाहिए, क्या उनको चढ़ाना चाहिए माता रानी को, और उसको चढ़ाने से वो प्रसन्न हो, और कौन सी माता का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि तृतीय नवरात्रे वाले दिन माँ चंद्रघंटे का पूजन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा थोड़े से उग्र स्वभाव की है, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए कहते हैं सील स्वभाव से हमें पूजन करना चाहिए। कहते हैं ना कि श्वेत वसन मैया, हंस पर सवारी माँ सरस्वती को कहा जाता है, और वो बहुत ही शांति की प्रतीक है, लेकिन उनकी प्रतिलोम बिल्कुल उल्टे चंद्रघंटा मां उग्र स्वभाव की प्रतीक है, व्याघ्र पर सवारी करती है। लेकिन इनको घंटे की ध्वनि सुनकर के या हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर हमारे घर में कोई ऐसी समस्याएं हैं, भूत प्रेत गण पिशाच नजर गुजर कोई भी समस्या हमारे घर परिवार में है, तो उस जगह पर तीसरे दिन मां चंद्रघंटा वाले दिन मां की पूजा करने के बाद लगभग 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट 9 मिनट तक घंटी को बजाएं, माता का नाम लेकर के बजाएं। जिस घंटी की ध्वनि जितनी दूर जाएगी उतनी दूर तक जितनी विनाशकारी शक्तियां हैं वो पल में ही छोड़कर चली जाएंगी, वो उस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है, उनके अस्त्रों से सुसज्जित पूरे शोभायमान मां चंद्रघंटा का स्वरूप है। एक हाथ में त्रिशूल लिए होती है तो एक हाथ में कमंडल लिए भी होती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप उग्र होने के साथ साथ अपने भक्तों के लिए बहुत सहनीय है, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, लेकिन उसके लिए हमें त्रुटियों से बचना है, गलतियों से बचना है, और मां को आप किसी भी प्रकार से काली वस्तु का भी भोग लगा सकते हैं, या खोए के लड्डू जो होते हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं, मावा के लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन लौंग को ना भूलें, क्योंकि मां लौंग से ही भोजन प्राप्त करती है। जिस चीज का आप जोंस दिन भोग लगाते हैं उसमें एक लौंग का जोड़ा अवश्य डालें, और उसको आप भोग लगा करके मां से क्षमा याचना करें, अगर कोई त्रुटि है तो मां हमें क्षमा करें। आरती के समय हमें स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छता हमारे साथ हो, और हमें आरती करने के बाद माँ का गुणगान करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, जो भी आप कर सकते हैं माता रानी को मनाने के लिए और उनके उग्र स्वभाव को शीतलता में लाने के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए, चाहे मन मन में माता रानी की तस्वीर के सामने बैठ करके, मूर्ति के सामने बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट कितना भी आप करें, जितना आपके पास समय है, लेकिन अवश्य करें, जिससे माता प्रसन्न होती है और आपके ऊपर आने वाले संकटों को पल में हर देती है,
आपके ऊपर जो संकट आने वाले हैं, विनाशकारी जो शक्तियां आपके घर पे, आपके परिवार पे जो आक्रमण करने वाली हैं, वो नहीं रहती। और जिस घर में मां चंद्र घंटा की कृपा होती है, उस घर में कभी भी मां अन्नपूर्णा की कमी नहीं रहती। विनाशकारी शक्ति उसके घर के आसपास भी नहीं आती। वो परिवार एक सुखद परिवार होता है। इसमें हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो प्रथम दिन हमने घटा स्थापित किया, जो कलश हमने रखा है, उस कलश में थोड़ा सा पानी और डालें। पानी डालने के साथ हमें उनसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो कुंभ कलश होता है। कुंभी कलश भगवान विष्णु का रूप है, और हमें उनसे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, जिस प्रकार आप परिपूर्ण हैं, उसी प्रकार माता की कृपा से हमारे घर में परिपूर्णता आए। मेन पूजन यही होता है, और इसको हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। भूखे रहने को ही व्रत नहीं कहते, व्रत कहते हैं दृढ़ संकल्प को और नियम को। इन नियमों को आप नियमित रूप से पूजन करते हैं तो आपका कार्य, आपकी भक्ति, आपका विश्वास अवश्य सफल होता है, और माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन, चौथे नवरात्रि को किस देवी की पूजा की जाती है और किस विधि के अनुसार पूजा की जाती है, कारण क्या है, क्यों उनको हमें पूजा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा कि नवरात्रि वाले दिन जब हमारी नवरात्रि प्रारंभ होती है, उससे चौथे दिन जिस माता की पूजा होती है, उस माता का नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा माता कहते हैं, शास्त्रों में लेख है कि कुसा को पवित्र मानते हैं, पूजा में भी हम कुसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुष्मांडा का उद्गम वहीं से हुआ था। कुष्मांडा माता ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उनकी हंसी से, मां कुष्मांडा जब हंसती हैं, उनकी हंसी से ये पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में रजोगुण, तमोगुण, रहस्योगुण सब कुछ इसी से प्राप्त होता है। और मां कुष्मांडा के अष्टभुजाधारी माता शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण सभी इनके आठों हाथों में सुशोभित हैं, लेकिन आठवें हाथ में वरदान देने के लिए, मन वांछित फल भक्तों को देने के लिए आठवें हाथ में जप माला लिए हैं। आप जो संकल्प करके पूजा करते हैं, मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उस माता ने अपने हाथ में, आठवें हाथ में एक माला ले रखी है, उसको आप अवश्य स्पर्श करें। और आप उसको स्पर्श करते हैं तो कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा लेख आता है कि जिस दिन, चौथे नवरात्रि के दिन आप माता की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने अपने घर में या मंदिर में कहीं भी आप पूजन कर रहे हैं और माता के हाथ में एक माला है, उस माला को चौथे दिन अगर आपने स्पर्श किया तो मान लीजिए कि आपके कष्ट दूर हो गए। माता रानी उस माला को जपने लग जाती है आपके कष्ट दूर करने के लिए। ब्रह्मवर्तक पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ माता के व्रत को जो हम करते हैं, उनमें हम माता को फल के साथ भोग लगाया जाता है, और वो फल अनार का होता है। कैसे भोग लगाएंगे? अनार को आप पहले छीलिए, उसके दाने निकालिए और उस दाने को थोड़ी सी अग्नि करके पांच बार चम्मच के द्वारा दो दो चार चार दाने का आप भोग लगाएं। लास्ट जब पांचवी चम्मच में आप भोग लगाते हो तो उसमें आप दो लौंग डाल करके माता को भोग लगाएं, या आप प्रत्येक चम्मच में भी लौंग डाल सकते हैं जोड़ा एक। इससे आपकी पूजा, प्रार्थना, भक्ति माता को समर्पित होती है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर होती है। आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके लिए मां कुष्मांडा का व्रत विशेष शुभ है, आपको लाभ दिलाने वाला है। कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लाभ दिलाने वाला है। धन व्यापार वृद्धि को बढ़ाने वाला है मां कुष्मांडा का व्रत। आप उसे मन विश्वास से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, आपके सभी कार्य सफल होंगे, कोई भी विघ्न बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी।
और आप सोचिए, अगर आपको देख करके माता की हंसी आ गई तो आपके 7 जन्म के कष्ट मिट जाएंगे, जिससे मां की कृपा आपके ऊपर पूर्ण होगी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन को लेकर कि 5वें दिन कौन सी पूजा और मां कौन सी मां की पूजा की जाती है, किस व्यवस्था में किस अवस्था में माता पाई जाती है, अर्थात उस माता को कैसे पूजा जाता है और कैसे मनाएं, हमारे सबके मन में एक प्रश्न होता है। तो इसमें 5वें दिन जो हम पूजा करते हैं वो है स्कंद माता। स्कंद माता अपने आप में एक शौर्यशाली माता है जो अपने शौर्य के लिए जानी जाती है। पूजा की विधि नव दुर्गा की तरह ही होती है, जैसे हमने पहली पूजाएं की, 4 पूजाएं करके आए, 5वें दिन की पूजा की, उसी अवस्था में पूजाएं होती हैं और बतासे और लौंग का भोग लगता है। स्कंद माता के एक पुत्र थे कार्तिकेय, और जिनको स्कंद कहा जाता है, इसीलिए कार्तिकेय को स्कंद कहते हैं, तो स्कंद कार्तिकेय की माता को स्कंद माता कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बना दिया गया, और देवताओं का सेनापति जब कार्तिकेय बना दिए तो माता रानी ने उनका पूरा योगदान दिया और विजय प्राप्त की। तभी से अगर आप देखें स्कंद माता का चित्र, स्कंद माता की तस्वीर, स्कंद माता का फोटो, तो कार्तिक भगवान को गोद में लिए बैठी होती हैं। उनके शौर्य को देखिए, उनका शौर्य। हमारे जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, शौर्यपूर्ण तेजोपूर्ण कुछ प्राप्त करना है, तो माता स्कंद माता का पूजन करना है। नव दुर्गा जब आती हैं, हम पूजा तो करते ही हैं, लेकिन 5वें दिन मां स्कंद को नियम से मनाइए, और उनके मनाने के बाद उनका भोग आप जब लगाते हैं, बतासे और लौंग का जब आप भोग देंगे, तो मां स्कंद आपको प्रज्वलित होकर के आती हैं। भोग लगाने में ऐसे नहीं कि आपने पान के पत्ते पर रख दिया और भोग लग गया, आप गुस्से की, कंडे की, उपले की आप थोड़ी सी अग्नि कीजिएगा, माता रानी के सामने रख करके उस पे थोड़ा घी डाल करके बतासे में 2 लौंग लगा करके, ध्यान रहे लौंग फूल वाली हो, बतासा फूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, शुद्ध हो, और ऐसा करके जब हम भोग लगाते हैं तो माता अवश्य भोग को प्राप्त करती है और हमें आशीर्वाद देती हैं कि जिस निमित्त आपने ये संकल्प किया है वो आपका पूरा हो। माता की कृपा से पूरा संसार चलता है। स्कंद माता की कृपा से वीरता आती है, डर हमारे अंदर होता है वो दूर जाता है, कुछ करने की क्षमता हमारे अंदर प्रकट होती है, और जो व्यक्ति अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, वो मां स्कंद माता की पूजा करें नवरात्रियों में, तो निश्चित मानिए आपके सभी कार्य सफल होंगे। विशेष रूप से जिनको विवाह में देरी हो रही है, सुंदर पत्नी की चाह रखते हैं, गुणशाली पत्नी की चाह रखते हैं, तो इस दिन एक मंत्र का उच्चारण करें, पत्नी मनोरमाम देहीम मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी अति शीघ्र सुसज्जित सुशील और गुड़ी कन्या से विवाह हो सकता है। लेकिन विश्वास आपको रखना है, विश्वासो फलदायकम, जब तक विश्वास नहीं है कोई फल प्राप्त नहीं होगा, और अगर आपका विश्वास है तो आपको निश्चित फल प्राप्त होगा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 6वें दिन में, षष्ठ दिवस पर किस माता की पूजा की जाती है। तो 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। अब मन में विचार आएगा कि ये कात्यायनी कौन थी, क्यों पूजे, क्या कारण है। विस्तार से सुने कि एक कात्यायन ऋषि थे। कात्यायन ऋषि के पास कोई संतान नहीं थी। कात्यायन ऋषि के पास जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने घोर तपस्या की मां भगवती की, और ऐसी तपस्या की कि मां भगवती को स्वयं पुत्री रूप में
कात्यायन ऋषि के घर आना पड़ा और उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। आपने कथाएं सुनी होंगी। कात्यायनी का जो जन्म हुआ था वो महिषासुर के वध के उपलक्ष में हुआ कि आपको महिषासुर का वध करना है, और इसीलिए कात्यायन ऋषि ने तपस्या की थी, क्योंकि उनको वरदान था कि मैं किसी से ना मरूं, पुरुष मुझे मार नहीं सकता, जानवर मुझे मार नहीं सकता। कितने वरदान थे, लेकिन एक थी कि स्त्री को वो भूल गए कि स्त्री से भी ना मरूं, ऐसा नहीं मांगा था। वो सोच रहे थे जब मैं इन सब पे नहीं मरूंगा तो स्त्री क्या है, वो तो अविला है, कमजोर है, वो तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। जब ऐसा उनके मन में आया और उनके घमंड को तोड़ने के लिए मां भगवती कात्यायन के यहां पर पुत्री रूप में अवतरित हुई। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की थी, तब भगवान को पति रूप में पाया था। आज जिस बहन के विवाह में विलंब हो रहा है, जिस बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है, वो उसको मां कात्यायनी की पूजा में अवश्य करनी चाहिए। मां कात्यायनी के पूजा वाले दिन 5 पुष्प गुलाब के सफेद वस्त्र पर रख करके मां कात्यायनी के सामने सजा दें, राधा कृष्ण की एक बांसुरी लेकर के मां कात्यायनी के चरणों में स्पर्श कराएं और मां कात्यायनी से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार ब्रज की गोपियों को आपने पति दिलवाया, उसी प्रकार हमारी तरफ भी कृपा करें, हमारी तरफ भी दृष्टि डालें। तो जिन बहन बेटियों के विवाह में विलंब है वो मां कात्यायनी की पूजा कर सकती हैं, जिससे उनका विलंब दूर होता है और निश्चित ही एक सुयोग उनको जीवन साथी मिलता है। मां कात्यायनी की कृपा जिस पर हो जाए तो बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े राक्षस, उनका उन्होंने नाश किया। हम लोग विशेष रूप से अगर देखें तो मातृशक्ति को आदि शक्ति इसीलिए कहा जाता है कि जब मनुष्य शक्ति हमारी छीन होने लगती है, अगर घर परिवार में देखें पिताजी को कोई टेंशन होती है तो माता उनसे पूछती है और माता ही उनका मनोबल बढ़ाती है। तो यही कारण है माता को पूजने का, माता को मनाने का। तो इसके लिए आप माता कात्यायनी का पूजन करें और अपने जीवन को आप धन्य बनाने का प्रयास करें। पूजा के बाद आरती जब आप करते हैं तो क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि हम संपूर्ण नहीं हैं, कोई ना कोई त्रुटि हमसे होती है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हमसे कोई ना कोई त्रुटि होती है। तो हे माता रानी, हमारी उन त्रुटियों को आप क्षमा करें। ऐसा संकल्प लेकर के आप पूजा करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि माता की कृपा आपके जीवन में, आपके घर पर, आपके परिवार पर अवश्य बरसेगी। नवरात्रि में सप्तम दिन, सातवें दिन किस माता की पूजा होती है और उस माता का रूप कैसा है, उसको पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप हमसे जुड़िए, जानिए, सब अपने बारे में जान सकते हैं, व्रत त्योहारों के बारे में आप जान सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सप्तम दिन में काल रात्रि मां की पूजा की जाती है। काल रात्रि का तो नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। काल रात्रि मां का नाम सुनकर के देखिए उनका स्वरूप कैसा होगा। काल रात्रि मां भयानक स्वरूप वाली है, हाथ में, एक हाथ में कांटा, एक हाथ में कटार लिए हुए होती है। उनकी गर्जना से, जब काल रात्रि मां गर्जन करती है, गर्जना करती है, उस गर्जना से जो अविश्वसनीय शक्तियां, भूत प्रेत गढ़ जो परेशान करती हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो दूर चली जाती हैं। मां की पूजा, मां का वाहन,
गधे पर सवार है। माता रानी का जो वाहन है वो गधा है। काल रात्रि में गधे पर सवार होकर के भयानक रूप धारण करके जब आती है तो मनुष्य तो क्या, राक्षस तो क्या, देवता भी हिल जाते हैं। इस माता के रूप की जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा को नियम से करना चाहिए, उस पूजा में कोई त्रुटि ना हो, ध्यान रखें। पूजा कैसे करनी है? पूजा जो आपने प्रथम दिन कलश को स्थापित किया था उस कलश में थोड़ा सा जल डालें और उसमें से थोड़ा सा जल निकालें, अपने घर में छिड़काव करें, पूरे घर में अंदर से बाहर की तरफ छिड़काव करें। माता रानी के लिए सुंदर आसन बदलें, क्योंकि काल रात्रि माता जब आएगी तो इस आसन पर विराजमान होगी, ऐसा भाव हमारे मन में हो, और वो काले कपड़े का आसन हो। आसन पर मां विराजमान हुई तो उसका सिंगार वहां चढ़ाएं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं एक दिन मां का सिंगार लाए और चढ़ा दिया, नौ के नौ दिन वो सिंगार चलता है। नौ देवियों को ऐसा नहीं, चाहे सिंगार लाइए आप कम, लेकिन अच्छे वाला चढ़ाइए। ये नहीं 10 रुपए की जो पैकेट आती है उसे हम चढ़ाते हैं, वो कोई मान्य नहीं होता। कोई भी वस्तु आप माता को चढ़ाएं, भगवान को चढ़ाएं, अर्पण करें तो ऐसी कीजिए जो आप खुद यूज करते हो, जिसके कारण मां प्रसन्न हो, आपके कार्यों में सफलता आए, किसी भी प्रकार की यातना आपके जीवन में ना आए। इतना विकराल रूप काल रात्रि मां का होता है तो एक मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संसताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप मां काल रात्रि की पूजा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस अवस्था में मैंने आपको बताया उस अवस्था में अगर आपने पूजा की तो माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी, निश्चित बरसेगी, और मां का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो आपके जीवन में कोई भी व्यथा नहीं रहेगी। आज हम बात करेंगे अष्टम नवरात्रा कैसे मनाया जाता है, किस मां की पूजा होती है, कैसे इनकी आराधना होती है। तो मैं बताना चाहूंगा, 8वें दिन महागौरी की आराधना की जाती है। ये महागौरी कौन थी, क्यों पूजा जाता है, इनका पूरा विधान मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। महागौरी माता रानी की कृपा हम सब पर वर्षे, आप सब पर वर्षे, ऐसी कृपा हमेशा हमारे ऊपर वर्षे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि मां गौरी का अष्टम दिन आराधना करके उनको पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद मां गौरी के स्वरूप को आप देखें तो चार भुजाधारी गौर वर्ण वाली चार भुजाएं हैं, एक में त्रिशूल है, एक में डमरू है, और दो भुजाओं से बर देती हैं, अभय दान देती हैं। अगर हमारी पूजा हमारी आराधना उनको स्वीकार हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाता है। मां गौरी की पूजा में कहीं कहीं मां अष्टमी को नवरात्रि पूजी जाती है, कहीं कहीं नवमी को नवरात्रि पूजी जाती है। तो अष्टमी के दिन चाहे नवरात्रि पूजे या ना पूजे, अष्टमी पूजे या ना पूजे, लेकिन माता रानी के भोग के लिए पकवान अवश्य बनाए, क्योंकि बहुत सौम्य रूप है मां गौरी का, बहुत सौम्य रूप, अति उत्तम स्वरूप है इनका। एक पौराणिक कथा आती है कि शिवजी को प्राप्त करने के लिए, भगवान भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने बहुत बड़ी तपस्या की, कठिन तपस्या की, और उस तपस्या को करते करते
इनका गोर वर्ण काला पड़ गया। लेकिन जब शिवजी आए तो गंगा जल से इनका अभिषेक किया। जब गंगा जल से इनका अभिषेक किया तो माता रानी को गौर वर्ण दोबारा से प्राप्त हुआ। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, शिव जी की पूजा तो वो करें ही करें, मां गौरी की भी पूजा करें, उन्हीं की कृपा से उनका कलर बदल जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, मन का कलर बदलिए। और जिस नियम के अनुसार मां गौरी की पूजा की जाती है, पुष्प अक्षत चावल मिठाई जो भी आप चढ़ाएं, माता रानी को भाव से चढ़ाएं, विश्वास से चढ़ाएं, माता रानी आपके सभी कार्यों को सफल करे। सदा माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर, आपके समस्त जगत में रहे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में संपन्नता की तरफ चलते हुए नवमम नवे दिन किस माता की पूजा होती है। नवे दिन मां सिद्धदात्री की पूजा होती है। सिद्धदात्री का स्वरूप बहुत ही विचारणीय, सौम्य, सिद्धि प्राप्त कराने वाला है। सभी प्रकार की सिद्धियां हमें सिद्धदात्री मां की पूजा करने से प्राप्त होती हैं। अगर आप कोई मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, कोई तंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, तो मां सिद्धदात्री को मना करके, उनकी पूजा आराधना करके आप उस मंत्र को जपिए, निश्चित मानिए आपकी जरूर सिद्धि पूरी होगी। सिद्धदात्री माता देवताओं के प्रिय और देवताओं को सिद्धि दिलाने वाली है। शास्त्रों में लिखा है, कोई कोई पुराण कहता है कि सिद्धदात्री का वाहन सिंह है। लेकिन अपने लोक में माता रानी का वाहन कमल के पुष्प पर पद्मासना विराजमान है, कमल के पुष्प पर विराजमान है। सिद्धदात्री माता अपने शौर्य, सिद्धि, तपस्या आदि के लिए जानी जाती है। जो भक्त अपने जीवन में माता रानी का प्रभाव चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, सिद्धदात्री की अनुकंपा आराधना करके कृपा चाहते हैं, और जो अपने आप में कुछ बनना चाहते हैं, कोई चीज सिद्ध करना चाहते हैं, तो यकीनन आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मां सिद्धदात्री को मना लीजिए। आप नवरात्रि की आपने पूजा की, सिद्धदात्री की पूजा किए बगैर आपकी नवरात्रि अधूरी है। राधे राधे।